अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर अक्सा एंड टुडे वी विल डिस्कस एग्जांपल 12.7। बुक के पेज नंबर 93 पे आपको एग्जांपल 12.7 नज़र आएगा। इंसेक्ट एग्जामिनेशन। अ बायोलॉजिस्ट विद अ नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ एन इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर एग्जामिन्स एन इंसेक्ट विंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास हुज फोकल लेंथ इज 4.3 सेंटीमीटर। Find the angular magnification when the image produced by a magnifier is at the near point and at infinity। अब इस magnifying glass से जो है एक biologist जो है एक insect को देख रहा है। इस glass का जो focal length है वो हमें given है 4.3 सेंटीमीटर और near point distance आपके पास n given है और आपसे m theta के बारे में angular magnification के बारे में पूछा जा रहा है near point के लिए और infinity के लिए। अब हम given में देखते हैं कि हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है, नियर पॉइंट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1.1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो है इन्होंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी गिवन में मेंशन किया गया है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है और इसके बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सॉल्यूशन, द मैग्नीफिकेशन व्हेन द इमेज इज एट द नियर पॉइंट फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास। हमने यहाँ पे ये देखे इक्वेशन पढ़ा था कि अगर हमारे पास इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे हो तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। एन और एफ की वैल्यू गिवन है, आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास एम थीटा की वैल्यू 7 आ रही है। द मैग्नीफिकेशन व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास। हमने इस इक्वेशन में पढ़ा था कि m theta equals to n by f for farthest images। तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास m theta equals to 6 आ रही है। द रिलैक्स्ड आई रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन मैग्नीफिकेशन ऑफ 1 फ्रॉम 7 टू 6। तो फार ऑब्जेक्ट्स के लिए फार इमेजेस जो हैं वो आपको जो है 6 टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट नज़र आएंगी और जो नियर इमेज है वो ऑब्जेक्ट के 7 टाइम्स आपको मैग्नीफाइड नज़र आएगा जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, पेज नंबर 94 पे आपके पास असाइनमेंट 12.7 है। 8 and 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड एज अ ज्यूलर्स लूप विच इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एस्टिमेट द मैग्नीफिकेशन व्हेन द आई इज रिलैक्स्ड एंड इफ द आई इज फोकस्ड एट इट्स नियरेस्ट पॉइंट। आपको जो है फोकल लेंथ दिया गया है, आपके पास जो नियर पॉइंट का डिस्टेंस हम ले रहे थे जो एन की वैल्यू थी वो आप जनरली 25 सेंटीमीटर, ये आपको याद होना चाहिए, आप पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो है व्हेन द आई इज़ रिलैक्स्ड, तो रिलैक्स्ड का मतलब है कि फॉर इमेजेस के लिए ये बात कर रहे हैं तो आप एन थीटा के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे एन ओवर एफ, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। और सेकंड केस, इफ़ द आई इज़ फोकस्ड एट इट्स नियर पॉइंट, तो आप एम थीटा के लिए फार्मूला पुट करेंगे एन बाई एफ प्लस 1। इन दोनों में जो है वैल्यूज़ पुट करें, देखें कि आपके पास क्या आता है। आपके पास जो फर्स्ट है इसका आंसर आपके पास 3 आएगा और जो सेकेंड है इसका आंसर आपके पास 4 आएगा। तो जब आई रिलैक्स होती है तो वो 3 टाइम्स आपको इमेज शो करेगा ऑब्जेक्ट के मैग्नीफाइड इमेज, और अगर आपके पास नियर उसके लिए इमेज के लिए ये 4 टाइम्स मैग्नीफाइड होगा ये इमेज। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।